हेलो चिल्ड्रन, आप इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं. ओके, बिफोर यू कैन रीड फ्रॉम अ फाइल, द फाइल मस्ट बी ओपन्ड एंड लिंक्ड बाय अ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल. तो ये क्या कह रहा है कि फाइल को रीड करने से पहले क्या होना चाहिए कि फाइल ओपन होनी चाहिए. ओके, फाइल ओपन होनी चाहिए और किससे लिंक्ड होनी चाहिए, आपके फाइल ऑब्जेक्ट या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, फाइल हैंडल, उससे लिंक होनी चाहिए. ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि कैसे लिंक होती है, राइट. ओके, Python provides mainly three types of read functions to read from a data file. Python आपको तीन functions provide करता है जिसकी help से आप data को read कर सकते हैं text file से. Okay, first is read function, second is read line function, and third is read lines function. Okay, so we will do all these functions one by one. First we have read function or read method. Okay, this method is used to read a specified number of bytes of data from a data file. तो इस function का या इस method का क्या use है, इससे आप number of bytes जितने आपने specify किए, मतलब आपने 30 specify किए तो 30 characters bytes, यहाँ पे bytes किसके equivalent है, करेक्टर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब करेक्टर्स के बराबर है. ओके, क्योंकि वन बाइट इज कंसीडर्ड एज वन करेक्टर, राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे रीड मेथड की हेल्प से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, राइट. इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन रीड फंक्शन, द एंटायर फाइल कंटेंट इज रीड. अगर आप क्या करते हो, जो रीड फंक्शन के अंदर आपको क्या बताना होता है कि कितने करेक्टर्स मीन्स कितने बाइट्स आपको रीड करने हैं, अगर आप एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करते हो या फिर नेगेटिव नंबर देते हो तो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देता है. ओके, रीड फंक्शन कंप्लीट फाइल को रीड कर देता है. इट रिटर्न्स द रीड bytes in the form of a string. और किस फॉर्म में ये रिटर्न करता है डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यूज की फॉर्म में. ओके, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, राइट. आप इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन. और रीड फंक्शन में आप पास करोगे कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको रीड करना है, मीन्स आपको कितने करेक्टर्स को रीड करना है. ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, राइट, पाइथन आइडियली खोल लिया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके, अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, रीड करते हैं फाइल के 40 करेक्टर्स, फाइन. तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ कमेंट रीडिंग फाइल्स फर्स्ट 40 बाइट्स या करेक्टर्स. ओके, F1 हमने लिया फाइल हैंडल. ओके, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में आपको क्या करना है, अपनी फाइल जो आप ओपन करना चाहते हो उसका नेम या उसका कंप्लीट पाथ देना है. तो मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ सिर्फ abc.txt, क्योंकि मेरी फाइल कहाँ स्टोर है, मेरी फाइल पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर है, राइट. तो अगर डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स जाके सेव होते हैं, राइट, मेरी फाइल वहां पे स्टोर है, तो मेरे को यहाँ पे कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है, आई कैन ओनली गिव द नेम. ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया abc.txt अपनी फाइल का नेम, और उसको एक्सेस मोड दिया है R, दैट मीन्स रीड मोड. ओके, नाउ str हमने एक वेरिएबल लिया f1.read, और कितने करेक्टर्स मीन्स कितने बाइट्स हमें रीड करने हैं, 40 बाइट्स हमें रीड करने हैं. ओके, अब देखो f1 ये क्या है, f1 आपका फाइल हैंडल है, राइट, डॉट रीड. तो ये क्या करेगा, फाइल में से रीड करेगा कितने बाइट्स, रीड फंक्शन फाइल में से रीड करेगा 40 बाइट्स, और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, वो str वेरिएबल के अंदर. अब हम आप क्या करोगे, आपको प्रिंट कराना है कि कितने बाइट्स उसने रीड करे हैं, वो बाइट्स आपको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट और str, क्योंकि बाइट्स कहाँ जाके स्टोर हुए हैं, str वेरिएबल के अंदर, फाइन. अब आप फाइल को क्लोज कर दो क्लोज फंक्शन की हेल्प से. ओके, इसको सेव कर लेते हैं, कोई भी नेम दे दो इसका, मैंने g1 दे दिया .py, राइट. नाउ इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. रन f5 से हो जाता है, बट माई फंक्शन की इज नॉट वर्किंग, तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया. देखो अब इसने 40 करेक्टर्स मुझको फाइल में से रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए, राइट. ये कितने करेक्टर्स आए, कितने बाइट्स आए, 40, आप इसको काउंट भी कर सकते हो, राइट.
ओके ओके अभी मैंने यहाँ पे 40 करेक्टर्स रीड कराए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा करेक्टर्स को रीड कराऊं। ओके 40 के आगे जो करेक्टर्स हैं, बाइट्स हैं, उनको रीड कराऊं, तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैंने क्या लिया, str2 करके ले लेते हैं, ठीक है। ओके f1 डॉट रीड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। रीड रीड में मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाए। अंडरस्टूड? पहले आपने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है कि कितने करेक्टर्स रीड हो जाए, 40 करेक्टर्स रीड हो जाए। ओके अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाए। ओके अब नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड होंगे तो हम उसको डिस्प्ले करा देते हैं। राइट इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। सिंपली अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, रन। अब देखो पहले आपके कितने करेक्टर्स रीड हुए थे, आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, देन उसके बाद नेक्स्ट 60 करेक्टर्स आपके रीड हुए। राइट पहले आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, या 40 बाइट्स आप कह सकते हैं, वो रीड हुए। ओके देन आपके नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड हुए। ओके अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाए। ओके तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहां से इसको हटा देते हैं। ओके और मैं रीड फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी। राइट सिंपल मैंने इसको रीड फंक्शन में क्या किया है, एम्प्टी छोड़ा है इसको, और कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। इसको हम सेव कर देते हैं, देन रन। अब यहाँ पे देखो आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, जितना भी डेटा था abc.txt फाइल में वो आपकी यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया है। ओके मैं आपको एक चीज और शो कर देती हूँ, मैंने सिर्फ सिंपली फाइल का नेम लिया था, तो मेरी फाइल देखो एबीसी फाइल ये है, एबीसी। ओके पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर जहां पे आपके पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं, इसलिए मुझे कंप्लीट पाथ नहीं लेना पड़ा। अगर मैं कहीं और मेरी फाइल होती तो मुझे क्या करना होता, अपने टेक्स्ट फाइल का कंप्लीट एड्रेस वहां पे स्पेसिफाई करना होता। राइट तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम ले लिया, बिकॉज ये क्या है, पाइथन की करेंट डायरेक्टरी में सेव है। ओके आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, देखो ये हमारी स्टोरी है इसके अंदर, एबीसी के अंदर जो मैंने अभी आपको शो की थी। राइट नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन फंक्शन। This method reads one complete line from a file where each line terminates with a new line character. तो जब आप read line function का use करते हो तो क्या होता है, one time मतलब एक बार वो क्या read करती है, one complete line को read करती है। okay और वो line को कहाँ तक read करती है, जब तक कि उसे new line character नहीं मिल जाता। okay it works as a enter, जब उसको न्यू लाइन करेक्टर मिल जाता है तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और वो जैसे ही न्यू लाइन करेक्टर मिलता है वैसे ही एंड ऑफ द लाइन वो समझ लेती, जो आपका फंक्शन है रीड लाइन वो क्या समझ लेता है कि ये अब एंड ऑफ द लाइन है। ओके तो ये मेथड क्या करता है, एक बार में एक कंप्लीट लाइन को रीड करता है फाइल की। ओके इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन करेक्टर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो एक लाइन में से आपके एन नंबर ऑफ बाइट्स को भी रीड कर सकता है, लेकिन कहाँ तक, जब तक कि उसको न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। मतलब अगर आप चाहते हो, वैसे तो रीड लाइन क्या करता है, वन बाय वन लाइन्स को रीड करता है। ओके पर आप चाहते हो कि आप एक लाइन्स में से 30 करेक्टर्स रीड कराओ, तो आप क्या स्पेसिफाई कर दोगे उसके अंदर, 30 करेक्टर्स। ओके बट अगर आपने मान लो 60 करेक्टर्स दिए और लाइन में ओनली 50 करेक्टर्स हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ओके वो नेक्स्ट लाइन में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मान लो 80 करेक्टर्स लाइन में है। ओके और आपने 90 करेक्टर्स दे दिए रीड करने के लिए। ओके तो 80 करेक्टर्स रीड कर लेगा, बट नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके, जो 10 बचते हैं नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके रीड नहीं करेगा। ओके इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इट रीड्स अ कंप्लीट लाइन एंड रिटर्न स्ट्रिंग। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे रीड लाइंस के अंदर एन नंबर ऑफ लाइंस, ओके ये नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो कंप्लीट लाइन को रीड करता है। ओके एक बार में रीड लाइन फंक्शन एक लाइन को रीड करेगा। ओके अगर आप n स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर लाइन में से इतने बाइट्स आपको रीड कराने।
अंडरस्टूड, अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी. टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन वी कैन यूज लूप. और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन आ जाए तो इसके लिए आप लूप का यूज करोगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज लूपिंग आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट. इस प्रोसेस को आप बोलते हो लूपिंग, ओके, या फिर आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट, आइटरेट करना फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर. इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड. और जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है. ओके, सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट, आपका फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन, राइट. अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे. अब यहाँ पे हम करते हैं यूज ऑफ रीड लाइन फंक्शन. ओके, कमेंट दे दिया. F1 हमारा फाइल हैंडल है, राइट. मैंने ओपन की फाइल, क्योंकि फाइल रीड करने के लिए उसका ओपन होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे मैं ABC फाइल को ले लेती हूँ, राइट. और किस मोड में आपको ओपन करनी है? रीड मोड में, क्योंकि आप रीड करा रहे हो. फाइन, str F1 dot readline. तो रीड लाइन क्या करेगी? एक बार में एक लाइन को रीड करेगा, रीड लाइन फंक्शन, ठीक है. प्रिंट, वो वन लाइन कहाँ पे जाके स्टोर होगी? str वेरिएबल में. तो हमने प्रिंट करा दिया किसको? str वेरिएबल को. ओके, अब हम यहाँ पे इसको फाइल को क्लोज करते हैं, F1 dot close. फाइन, ओके, ये सेव है मेरी फाइल. अब इसको रन करा लेते हैं, रन. देखो, एक बार में रीड लाइन फंक्शन ने क्या किया है? फाइल की एक लाइन को रीड किया है. आ गया इसका रिजल्ट, ओके. अब मान लो मुझे फर्स्ट लाइन में से कितने करेक्टर्स को रीड कराना है? मुझे 10 करेक्टर्स को रीड कराना है. तो मैंने यहाँ पे 10 करेक्टर्स, मतलब 10 बाइट्स या 10 करेक्टर्स दे दिया है. इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस. तो ये कंप्लीट लाइन रीड नहीं करेगा, अब यहाँ पे ये लाइन फर्स्ट लाइन के 10 करेक्टर्स को रीड करेगा. इसको रन कराते हैं हम लोग. देखो क्या किया है, पहले था कंप्लीट लाइन द थर्स्टी क्रो, राइट. अब यहाँ पे इसने 10 करेक्टर्स को रीड किया है, द थर्स्ट, ओके. 10 करेक्टर्स रीड होके आपके पास आ गए. नाउ अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं 3 लाइंस को रीड करना चाहती हूँ, ओके. तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, क्योंकि रीड लाइन में जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो वो एक बार में एक कंप्लीट लाइन क्या करता है? रीड करता है. अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, फर्स्ट लाइन ये रीड, ये वाली स्टेटमेंट रीड करके प्रिंट करा रहा है, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी. ये मेरी सेकेंड लाइन रीड हो जाएगी इससे, अगेन मैं कंट्रोल वी, ये मेरी थर्ड लाइन रीड हो जाएगी, ठीक है. ऐसे मैंने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन 3 बार यूज किया है और उसकी हेल्प से 3 लाइंस में यहाँ पे रीड करा रही हूँ, ओके. अब यहाँ पे देखो, प्रिंट के साथ ना मैंने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया है. तो प्रिंट के फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन करेक्टर क्या करता है, एक न्यू लाइन डिस्प्ले करता है. ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. इसको हम रन करते हैं. अब देखो, प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया तो लाइन रीड हुई है, डिस्प्ले हुई है, उसके बाद क्या आया है, एक लाइन का गैप आया है, ओके. यहाँ पे 1-1 लाइन का गैप दिया है प्रिंट फंक्शन ने, फाइन. अब इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड्स विद अ न्यू लाइन. प्रिंट फंक्शन कैसे एंड होता है? न्यू लाइन से एंड होता है, ओके. तो यहाँ पे एक लाइन रीड हुई है, आपने प्रिंट कराया, तो क्या हुआ, उस कैसे एंड हुआ है प्रिंट फंक्शन? न्यू लाइन से एंड हुआ है. अगर आप क्या चाहते हो, ये लाइन्स जो आई हुई है, गैप आया हुआ है 1-1 लाइन का, नहीं चाहते तो आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे देंगे एंड, और एंड में आप दे दोगे स्पेस, ठीक है, आप एंड में दोगे स्पेस. तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड नहीं होगा, वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करेगा. अदरवाइज प्रिंट करेक्टर किसको एंड कंसीडर करता है? न्यू लाइन करेक्टर को एंड कंसीडर करता है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन. तो वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाता है, एम्प्टी लाइन आ जाती है. तो यहाँ पे इसको एंड, जो हमने एंड आर्ग्यूमेंट दिया है, और उसमें एंड मतलब हमने क्या बताया इसको, कि एंड कैसे हो, ये स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करे. इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. राइट, अब देखो जो गैप आया था वो अब नहीं आएगा, जो 1-1 लाइन का गैप आया था वो अब नहीं आएगा. सी, अब गैप चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर कर रहा है. जैसे ही स्पेस आया उसने इसको एंड कंसीडर कर लिया, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, ओके.
अब मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार रीड लाइन फंक्शन का यूज ना करूं, ऐसे मेरी बहुत बड़ी फाइल होगी तो मुझे बहुत बार रीड लाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या मैं लूप का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, जब आप लूप का यूज करोगे तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, लूपिंग की हेल्प से आपकी कंप्लीट फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, फर्स्ट लाइन एज इट इज आएगी, एफ वन इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, फाइल हैंडल से हमने फाइल को लिंक कराया है, एफ वन यहाँ पे फाइल हैंडल है। उसके बाद हम ले लेते हैं लूप, फोर लाइन इन एफ वन, राइट, एफ वन लिया आपने, फोर लाइन इन एफ वन फाइल हैंडल है आपकी, या फिर यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट लाइन। ओके, अब लाइन अगर मैं सिंपल प्रिंट करा देती हूँ तो गैप के बाद आएगी, एक एक लाइन के बाद गैप आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी फाइल एज इट इज आ जाए, तो मैं एंड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देती हूँ और स्पेस। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिंट फंक्शन है, स्पेस जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एंड ऑफ द लाइन कंसीडर कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल एस को रन करते हैं, देखो कंप्लीट हमारे पास आ गई है फाइल। ओके, समझ आया, कंप्लीट फाइल आ गई है। आपने किसका यूज किया है, फोर फंक्शन का यूज किया है, फोर लाइन इन एफ वन, राइट। तो जो लाइन है वो क्या होगा, क्या है, एक वेरिएबल है जो एफ वन फाइल हैंडल से पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, आपने फर्स्ट लाइन को प्रिंट करा दिया, फाइन। फिर कंट्रोल जाएगा सेकंड लाइन पर, सेकंड लाइन एफ वन से ये जो लाइन वेरिएबल है सेकंड लाइन को रीड करेगा, फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया। फिर कंट्रोल जाएगा अगेन, ये जो वेरिएबल लाइन है वो थर्ड लाइन को रीड करेगा एफ वन हैंडल से, क्योंकि यहाँ पे जो एफ वन फाइल हैंडल है वो किससे लिंक है, फाइल का रेफरेंस है, राइट। ओके, तो ऐसे आपको पता है फोर लूप कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने फोर लूप की हेल्प से कंप्लीट फाइल को क्या कराया है, डिस्प्ले करा दिया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज रीड लाइंस मेथड। दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न्स द लाइंस अलोंग विद न्यू लाइन एज एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या करता है, कंप्लीट फाइल को रीड करेगा और जो लाइंस हैं, राइट, पूरी फाइल को एक बार में रीड करेगा, जो लेकिन जो फाइल्स की लाइंस है वो कैसे आएंगी, वो एज अ लिस्ट कैरेक्टर्स आएंगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगा एज अ लिस्ट एलिमेंट और वो फर्स्ट लाइन किससे एंड होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर से, फिर सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, लाइक दिस। ओके, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड कर रहा है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हो रही है, फाइल रीड हो रही है एज अ आइटम्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट आइटम लिस्ट का, देन सेकंड लाइन सेकंड आइटम लिस्ट का, देन थर्ड लाइन थर्ड आइटम लिस्ट का, और जितनी भी लाइंस हैं वो किससे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है। ओके, सिंटेक्स क्या है हमारे पास, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। ओके, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि कितनी लाइंस आपको रीड करनी है, अंडरस्टूड। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, यूज ऑफ रीड लाइंस फंक्शन, राइट, हमने कमेंट दे दिया है, अब हम करेंगे इसका यूज। ओपन, मैं अगेन अपनी एबीसी फाइल ले लेती हूँ, डॉट टीएक्सटी, फाइन, इसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अब यहां पे मैंने ले लिया लिस्ट आइटम ले लेती हूँ, क्योंकि जो लाइन वो रीड करेगा एज अ लिस्ट आइटम लेगा, तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो लिस्ट आइटम ले लिया, राइट, एफ वन डॉट रीड लाइंस। ओके, और प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ वन, जो एफ वन डॉट रीड लाइंस, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, लाइंस को रीड करेगा एज एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लिस्ट आइटम वेरिएबल के अंदर। तो हम लिस्ट आइटम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, फाइन, लिस्ट आइटम। उसके बाद आप क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। ओके, रन करते हैं। देखो फाइल में जो लाइंस है, जो फर्स्ट लाइन है, देखो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ये पूरा कंप्लीट लिस्ट में आ गया, और जो लाइंस है वो क्या बन गए, लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए। और देखो जितनी भी लाइंस है वो कहाँ कैसे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है।
आपको शो हो रहा है यहाँ पे जितनी भी लाइन्स हैं वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड हो रही है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं आपकी फाइल में, ओके, तो आप नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कर सकते हो। सिंपली नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके, और इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया, राइट, ओके, उसके बाद आप उसको रीड कर रहे हो, रीड आपने किया f1.readlines, readlines फंक्शन का यूज किया है, और वो रीड लाइन फंक्शन लाइन्स जो रीड होके वो कहाँ जाएंगी, s वेरिएबल के अंदर जाएंगी। अब आपने क्या किया, हम एक और वेरिएबल लेते हैं लाइन, लाइन काउंट, और उसमें हम लेंथ ले लेते हैं किसकी, s की, ओके, तो लेंथ फंक्शन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, ओके, नंबर ऑफ लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या होता है, या तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रीड करता है, तो यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे ईच लाइन जितनी लाइन्स आएंगी एज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आएगा, तो ठीक है, ये इसको लेंथ फंक्शन क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, ओके, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो ऑलरेडी हमारा है यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रिंट फंक्शन में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ लाइन्स इन abc.txt फाइल आर लाइन काउंट, ठीक है, लाइन काउंट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स लाइन फंक्शन आपकी नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करके कहाँ स्टोर करेगा, लाइन काउंट फंक्शन, सॉरी लाइन काउंट वेरिएबल में, ओके, इसको आप सेव कर लो, Then run it. देखो यहाँ पे आ गया है नंबर ऑफ लाइन्स इन abc.txt फाइल इज 11. तो abc.txt फाइल में कितनी लाइन्स है, 11 लाइन्स है, इसको हम यहाँ, ओके, ओके, इन केस यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली एज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो ये क्या कह रहा है, अगर हम चाहते हैं कि जो क्या है लाइन्स आती है, ओके, उन उसके मतलब रीड लाइन्स फंक्शन क्या करता है, ईच लाइन को एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट रीड करता है, पर मैं चाहती हूँ कि ईच वर्ड को वो कैसे रीड करे, एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लाइन को नहीं, ईच वर्ड को, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, आप इसके लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे। सबसे पहले हमने abc.txt फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, उसको रीड लाइन्स के थ्रू रीड करा लिया, यहाँ पे लाइन्स एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गई है जो एस के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव हो गई है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट ना आए, ईच वर्ड ऑफ द लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट आए, मतलब लाइन का जो एक एक वर्ड है वो लिस्ट एलिमेंट आए, तो उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे और उसको लूप में चलाएंगे, जिससे फॉर लाइन इन एस, क्योंकि हमारी लाइन्स रीड होके कहाँ गई है, एस वेरिएबल के अंदर, फॉर लाइन इन एस, ओके, यहाँ पे हम वर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं एस, वर्ड्स कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हो, एस लिस्ट आइटम्स, ओके, लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया हमने, ठीक है, वर्ड्स इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट, फर्स्ट लाइन रीड होगी, ओके, एस क्या लाइन जो वेरिएबल है वो एस से, जो आपका एस क्या है, एस के अंदर लाइंस है, कंप्लीट लाइंस रीड होके कहाँ गई है, एस वेरिएबल के अंदर, तो जो लाइन वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या करेगा, एस में से फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया वर्ड्स इक्वल टू लाइंस डॉट लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइन्स को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड्स के अंदर चला जाएगा वेरिएबल के अंदर, और इसको हमने करा दिया प्रिंट वर्ड्स, ओके, आपने प्रिंट करा दिया। अब देखो ये जो लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंप्लीट फाइल के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होके नहीं आ जाते हैं, ओके, क्योंकि देखो लूप कब तक चलता है, टिल द एंड ऑफ द फाइल, समझ आया, फिर से देखो यहाँ पे आपने F1 लिया है फाइल हैंडल और ओपन कराया फाइल को रीड मोड में, उसके बाद आपने रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से कंप्लीट फाइल को रीड कराया है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हुई है, एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट,
वो कहाँ जाके स्टोर हुआ है, एस वेरिएबल के अंदर। फिर आपने लूप चलाया है फॉर लाइन इन एस, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो क्या है वेरिएबल, वो एस की पहले फर्स्ट लाइन को एक्सेस करेगा। ओके, फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, अंदर जाके हमने क्या किया है, वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। तो ये लाइन को स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइन्स में एक पर्टिकुलर लाइन में जितने भी वर्ड हैं उनको अलग अलग करके मतलब स्प्लिट कर देगा उनको। ओके, और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करा दिया वर्ड्स को। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट बन के आ जाएंगे। इसको रन करो, अब देखो एक एक वर्ड क्या बन गया, लिस्ट का एलिमेंट बन गया। ये देखो फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन के अंदर थ्री वर्ड्स थे तो वो क्या बन गए, ये जो फर्स्ट लिस्ट बनी है वो थ्री वर्ड्स की बन गई है। देन सेकेंड लाइन एक लिस्ट बन गई, देन थर्ड लाइन एक लिस्ट बन गई, तो अलग अलग लिस्ट बन गई है। ओके, और जो उनके वर्ड्स थे वो उन लिस्ट एलिमेंट्स बन गए। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि जो फाइल की लाइन है, ईच लाइन है, वो एज अ लिस्ट आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, एक लिस्ट के एलिमेंट बन के ना आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्प्लिट लाइंस का यूज कर सकते हो, स्प्लिट लाइंस फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हमने स्प्लिट फंक्शन की बजाय किसका यूज किया, स्प्लिट लाइन फंक्शन का यूज किया है। तो अब क्या होगा, जो आपकी फाइल की जो लाइंस होगी, फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आएगी, देन सेकंड लाइन एज अ लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे जितनी लाइंस होंगी उतनी ही लिस्ट बन जाएंगी। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, नाउ एग्जीक्यूट कराओ। अब देखो फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आ गई, देन सेकेंड लाइन एज अ लिस्ट आ गई, थर्ड लाइन एज अ लिस्ट आ गई, किसकी हेल्प से, स्प्लिट लाइन फंक्शन की हेल्प से। ओके okay children, now we will meet in next video. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.